अगर आप एक फेसबुक मैसेंजर यूज़र हो और आप किसी भी शख्स का फेक मैसेज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेक चैट से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेथड, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से किसी भी शख्स का फेक चैट बना सकते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड। अब आप कुछ ही सेकंडों में किसी भी शख्स का फेक चैट बनाकर उसका शार्ट स्क्रीन लेकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उनके साथ एक तरीके का मजाक कर सकते हो, या फिर आप इसको किसी दूसरे लीगल पर्पस के लीगल के लिए भी यूज कर सकते हो, ना कि इनलीगल पर्पस के लिए। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं यूनिक टेक्स्ट। फेक चैट से रिलेटेड मैंने पहली भी एक वीडियो बनाई है जो कि व्हाट्सएप के लिए है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो यहाँ पर ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर दीजिए। मगर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कि हम किस तरीके से अपने मैसेंजर में किसी भी शख्स का फेक चैट बना सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो पूरी डिटेल में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिए वरना आप लोगों को पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को फुल गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरीके का बेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है फेक चैट। इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से जाके बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सैंपल आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद सैंपल आप इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपसे आपका परमिशन मांगेगा तो आपने अपना परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर मैं अलाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चैट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड कर देना है जो कि आपके फेसबुक मैसेंजर पे हो। तो यहाँ पर मैं अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप इसमें एक चैट बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को इस फ्रेंड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रिएट चैट, क्रिएट ग्रुप, ऐड कॉन्टैक्ट। तो आप लोगों ने क्रिएट चैट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने उस शख्स का नाम डालना है जिसका आप फेक चैट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं उसका नाम डाल देता हूँ यूनिक पैक्स और यहाँ पर से उसका फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, आप लोगों ने सिंपल इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा चैट बन चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप इसमें मैसेज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को सैंपल राइट मैसेज में जाना है और यहाँ पर एक मैसेज को टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैं राइट मैसेज में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हाय और सैंपल आपको इस सेंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, सेंड एंड रिसीव। तो आप लोगों ने सैंपल सेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा मैसेज उसको जा चुका है और उसने सीन भी किया है। तो यहाँ पर मैं इसमें एक दूसरा मैसेज डाल देता हूँ हेलो और सैंपल रिसीव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनकी तरफ से भी मुझे मैसेज रिसीव हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग इस आइकन पे क्लिक करोगे और चैट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, एक्टिव स्टेटस चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक्टिव एगो पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये एक घंटा पहले अपलाइन हो चुका था, दो घंटे पहले अपलाइन हो चुका था। तो यहाँ पर मैं सिंपली 1 आवर कर देता हूँ, एक्टिव 1 आवर एगो और सैंपल आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
एक आवर पहले ये बंदा अपलाइन हो चुका है और ये चैट बिल्कुल रियल लुक प्रोवाइड करता है। कोई भी शख्स इसको पेक नहीं कहेगा। और यहाँ पर एक और बात भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो तो हो सके अपना इंटरनेट डेटा बंद कर दो, वरना आप लोगों को बहुत ऐड देखने को मिलेगा और आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये एप्लीकेशन डेटा के अलावा भी काम करता है और आप इसी तरीके से किसी भी शख्स का पेक चैट बना सकते हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी मसला हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप भी मैसेज भी कर सकते हो। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।